हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या तरीके आजमाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, इन 2024 इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ गेम डेवलपमेंट, बिकॉज आज की तारीख में आपके पास सिर्फ ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज ही नहीं बट AI टूल्स है। AI टूल्स को यूज़ करके आप अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपको इस पूरी जर्नी में। बट सबसे पहली चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना कि आपको गेम डेवलपमेंट के अंदर कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। अब गेम डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल गेम प्रोग्रामिंग एक है, गेम आर्ट है, गेम डिज़ाइन है, गेम टेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको इनमें से कौन सी एक फील्ड सिलेक्ट करनी है। ये होने के बाद हर एक फील्ड के कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स है। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग बताने जाऊँ तो प्रोग्रामिंग में आपको C++ का बेसिक्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए, एंड C++ एक बार सीख लिया उसके बाद आपको एक गेम इंजन सिलेक्ट करनी है। अब बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें गेम इंजन सीखना ज़रूरी है, क्या हम गेम इंजन सीखे बिना भी गेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। बट गेम इंजन के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बने बनाए हुए गए हैं, एंड उसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको बेसिक से चीज़ें सीखनी चाहिए, और जो भी टूल्स आपको मदद कर सकते हैं उनकी आपको मदद लेनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैं रिकमेंड करूँगा कि गेम इंजन के साथ स्टार्ट करो। और गेम इंजन कौन सा यूज़ करो, तो उसमें दो ऑप्शन है आपके पास। एक यूनिटी गेम इंजन है जो बहुत पॉपुलर है और जो मिड एंड टू ऑलमोस्ट लो एंड सिस्टम्स में भी चल जाता है। ऑफकोर्स आपके पास अगर थोड़ा बेटर सिस्टम है तो अनरियल इंजन इज़ अ गुड चॉइस। बट एट दी एंड ऑफ द डे चूजिंग अ गेम इंजन, मतलब आपको कौन सी गेम इंजन सेलेक्ट करनी है, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आपके कम्फर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूनिटी गेम इंजन के अंदर कंफर्टेबल हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अनरियल इंजन के पीछे भागना है, या वाइस वर्सा अगर अनरियल इंजन में आप कंफर्टेबल हो तो यूनिटी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफ कोर्स एज अ गेम प्रोग्रामर दोनों जो इंजन्स हैं उनके लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं यूनिटी बोलूँ तो यूनिटी के अंदर C# यूज़ किया जाता है और अनरियल के अंदर ब्लूप्रिंट्स और C++ यूज़ किया जाता है। यूनिटी के अंदर भी आपको ब्लूप्रिंट्स जैसा एक विजुअल स्क्रिप्टिंग वाला फ्रेमवर्क है। तो वापस मैं यही चीज़ बोलूँगा, जो भी चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो वो सीखिए, उसमें मास्टरी कर लीजिए, एंड बाकी सारी चीज़ अपने आप लाइन में पड़ जाएगी। गेम आर्ट की अगर बात करें तो गेम आर्ट के अंदर आपके पास 2D और 3D फील्ड्स रहते हैं। तो 2D के अंदर सर्टेन सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप हो गया या जिम्प हो गया, फिर बाद में 2D एनिमेशन के लिए स्पाइन 2D है, एंड 3D के अंदर अगर आप देखने जाओ तो फिर ब्लेंडर करके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑटोडेस्क 3DS मैक्स, या फिर माया है। बट ये सारे जो टूल्स हैं उनमें आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी है एंड उसमें मास्टरी करनी है। हमेशा यही एक दिमाग में रखो कि कोई भी एक टूल लो और उसी के साथ बने रहो, उसी के अंदर मास्टरी कर लो, क्योंकि अगर आप स्विच करते रहोगे, सारी चीज़ें सीखने जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं पे आपको एक टाइम क्रंच महसूस होगा और बर्नआउट हो जाओगे। मैं बात करूँ अगर गेम डिज़ाइन के बारे में, तो गेम डिज़ाइन के अंदर आपको बेसिकली एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गेम्स खेल के कौन सी चीज़ आपके गेम को मज़ेदार बनाएगी। गेम डिज़ाइनर का जो जॉब रहता है, गेम डिज़ाइनर का जो रोल रहता है, दैट इज़ मेजरली कि डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट्स लिखना और डॉक्यूमेंट्स बनाना। इसेंशली उनका काम ये रहता है कि आपके गेम की जो भी आइडिया है उसको एक पीस ऑफ पेपर या फिर ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर उसको पेन डाउन करे, मतलब कि उसकी पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो उनके साइड से लिखे, एंड एट द सेम टाइम अगर गेम के अंदर कोई फार्मूलाज वगैरह है, गेम की इकोनॉमी वगैरह बनानी होगी, कुछ भी नंबर्स वगैरह डालने होंगे तो कौन से नंबर्स डाल के सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एक अगर सिंपल गन का अगर मैकेनिक आपको बनाना है तो गन के अंदर उसकी जो रीलोड रेट रहती है या फिर फायरिंग रेट रहती है वो कितनी रखनी चाहिए, फिर बाद में उसकी जो हैंडलिंग है, फीलिंग है, साउंड्स कौन से यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें सोचना गेम डिज़ाइनर का काम रहता है। गेम डिज़ाइनर बनने के लिए अगर आपको गेम डिज़ाइनर बनना है तो फिर कुछ जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के टूल्स है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सेल शीट्स यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो फिर गूगल डॉक्स एक अच्छा फ्रेमवर्क है, या फिर गूगल शीट्स अच्छा फ्रेमवर्क है, फिर नोशन आप यूज़ कर सकते हो टू ड्रॉ आउट डिफरेंट डिसीजन मैप्स एंड ऑल। जो पूरा आपका एक फ्रेमवर्क रहता है वो आप नोशन में बना सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनका यूज़
यूज़ करके आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड गेम डिज़ाइनर का प्राइमरी रोल यही रहता है, पूरी की पूरी गेम की प्लानिंग करना एंड एक एसेंशियली ब्रिज बनना बिटवीन अ गेम प्रोग्रामर एंड अ गेम आर्टिस्ट। अब बात करते हैं गेम टेस्टर की। तो गेम टेस्टिंग जो है वो गेम डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी एक एंट्री लेवल का जॉब है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, डेवलपमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आर्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आप गेम्स खेलने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप गेम टेस्टर बन सकते हो। एंड छोटी सी छोटी कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता ज़्यादा, इसमें बस ये देखा जाता है कि क्या आप गेम्स खेलने के लिए रेडी हो। बट जितना मज़ेदार लगता है उतना मज़ेदार ये रोल है नहीं, ये मैं आपको वार्न कर दूं, क्योंकि आप जब गेम्स खेलते हो तो आप अपनी मर्जी के गेम्स खेलते हो, बट गेम टेस्टर जब आप जॉब रोल के हिसाब से कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ऐसे गेम्स भी खेलने पड़ेंगे जो आप शायद खेलना इंजॉय नहीं करते हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 2024 के अंदर इतना अच्छा टाइम क्यों है गेम डेवलपर बनना, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। वो इस वजह से दोस्तों, बिकॉज आज की तारीख में आपके पास सारे टूल्स हैं। सबसे पहली बात, गेम इंजन्स, मोस्ट ऑफ द गेम इंजन्स फ्री है अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। सेकेंड चीज़ जो है वो आपके पास अभी AI टूल्स है। अगर आप देखोगे ChatGPT हो या Bard हो या फिर ये दूसरे जो भी AI फ्रेमवर्क्स है वो मार्केट में अभी काफ़ी अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इनका हेल्प लेके आप ये टूल्स को यूज़ करके अपने जॉब प्रोफाइल में इन एनी फील्ड अपने काम को एक्सपीडाइट कर सकते हो। भले आप प्रोग्रामर हो, भले आप आर्टिस्ट हो, भले आप डिज़ाइनर हो, भले आप गेम टेस्टर हो, आप ये टूल्स को कहीं ना कहीं पे कैसे ना कैसे यूज़ करके अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसको बूस्ट दे सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर हो, कहीं पे अटक गए हो, ChatGPT को आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो चीज़ यूजुअली हम अब तक स्टैक ओवरफ्लो या फिर ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर करते थे, जो कि अगर आप कहीं पे अटक गए तो ये क्वेश्चन लेके आप ऑनलाइन फोरम्स में डालते थे और फिर आपको रुकना पड़ता था लोगों के रिस्पॉन्स के लिए, वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं पे एलिमिनेट हो गई है। इवन इन टर्म्स ऑफ AI जनरेटेड आर्ट, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट एट द एंड ऑफ द डे AI जनरेटेड आर्ट जो भी है वो आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर से जनरेट होता है। इसका मतलब है किसी ना किसी को वहाँ पे बैठ के वो टाइप करना पड़ता है कि मेरे को इस टाइप का आर्ट चाहिए, एंड ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट आप वो जज कर सकते हो एंड सिर्फ आप ही एज अ ह्यूमन वो जज कर सकते हो, राइट? तो किसी ना किसी को वहाँ पे एक ह्यूमन को बैठ के वो आर्ट जनरेट करना है। इन टर्म्स ऑफ गेम डिज़ाइनर अगर मैं बोलूँ तो आप एक्चुअली ChatGPT को पूछ के फॉर्मूलाज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग आउट सर्टन सिनेरियोज कि ये चीज़ मज़ेदार होगी कि नहीं, या फिर आप ChatGPT से रिकमेंडेशन भी ले सकते हो कि ये थोड़े गेम मैकेनिक्स है, इसमें से सबसे फन पार्ट क्या होगा, या फिर आप लिटरली ChatGPT को एक नया आइडिया भी जनरेट करने बोल सकते हो। तो ये आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गए आपके लिए। सारे जो टूल्स हैं इनका आप यूज़ करके अपनी गेम डेवलपमेंट जर्नी को बूस्ट दे सकते हो। एंड ऑफकोर्स ऑनलाइन रिसोर्सेज है, टूल्स है, फिर बाद में ये AI टूल्स है, और आज की तारीख में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स प्लस इंस्टीट्यूट्स भी है जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आई थिंक पर्सनली ऑल इन ऑल 2024 इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट स्टार्टेड इन योर गेम डेवलपमेंट जर्नी। इट डज़ नॉट मैटर आपकी एज क्या है, आप 16 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, अगर आप 2024 में अपने गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड टू बिकम अ गेम डेवलपर। बस मैंने जो चीज़ें बोली उसको फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर आपको गेम डेवलपर बनना है, द ओनली थिंग इज़ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑफकोर्स आज की तारीख में जो चीज़ पहले आप 4 या 5 महीने में सीख रहे थे वो मे बी आप ये टूल्स यूज़ करके 1 या 1.5 महीने में सीख जाओगे, उसमें ऑफकोर्स एक फास्ट ट्रैक हो रहा है, बट गेम डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं अभी इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ, बट आज की तारीख में अभी भी मैं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखता हूँ। सो विद दैट इन माइंड दोस्तों, इस पूरे जो सिनेरियो है उसका फ़ायदा उठाइए, एंड अगर आपने अब तक गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो यार इस वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी आप अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।